दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज के लास्ट टेस्ट मैच का रिजल्ट ड्रॉ रहा, तो इस रिजल्ट के बाद साउथ अफ्रीका WTC फाइनल की रेस से बाहर हो गया है। तो आपको इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया WTC फाइनल देखने को मिलेगा, कैसे अभी आगे क्वालिफाइंग सिनारियों में देखेंगे। तो सबसे पहले अपडेटेड पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं। यहाँ पर टॉप पर ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है जिसके 75.55% ऑफ पॉइंट्स हैं, और ऑस्ट्रेलिया पहली टीम है जो WTC फाइनल के लिए ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुकी है। और जो दूसरी टीम है पॉइंट्स टेबल में वो है इंडिया। इंडिया के यहाँ पे 58.93% ऑफ पॉइंट्स हैं, और जो तीसरी टीम आपको पॉइंट्स टेबल में दिख रही है वो है फिलहाल श्रीलंका, जिसके 53.33% ऑफ पॉइंट्स हैं। वहीं पे फोर्थ टीम साउथ अफ्रीका है जिसके 48.71% ऑफ पॉइंट्स हैं अपडेटेड पॉइंट्स टेबल में। सबसे पहले थर्ड टीम जो है पॉइंट्स टेबल में श्रीलंका, उसकी बात करें तो उसके दो मैचेस न्यूजीलैंड से न्यूजीलैंड में है, जो श्रीलंका के लिए जीतना नामुमकिन है क्योंकि न्यूजीलैंड अपने घर में बहुत ही खतरनाक टीम है। तो श्रीलंका का केस लगभग यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर श्रीलंका एक टेस्ट मैच जीत जाता है न्यूजीलैंड में, तब भी श्रीलंका के 52.77% ऑफ पॉइंट्स रहेंगे। वहीं अब फोर्थ नंबर की टीम साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका के दो टेस्ट मैचेस वेस्ट इंडीज से बचे हैं, और मान लो वो दोनों ही टेस्ट मैच जीत जाएंगे तब भी उनके जो परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स होंगे वो होंगे 52.38% ऑफ पॉइंट्स। तो ये श्रीलंका और साउथ अफ्रीका दोनों टीम्स के जो परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, साउथ अफ्रीका के तो मैक्सिमम 52.38 ही जाएंगे और श्रीलंका के 52.77 हो जाएंगे अगर वो एक मैच भी जीत लेते हैं न्यूजीलैंड में। तो अब देखते हैं क्यों इंडिया WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो सबसे पहले इंडिया के जो मैचेस बचे हैं वो सिर्फ 4 टेस्ट मैच बचे हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के ऑस्ट्रेलिया से। तो इंडिया का जो WTC क्वालिफाइंग सिनारियो है वो कुछ इस तरीके से है। अगर इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया सीरीज का रिजल्ट 1-0 होता है इंडिया के फेवर में, तो इंडिया के 56.94% ऑफ पॉइंट्स हो जाएंगे। बस यही है सिनारियो, बाकी कोई सिनारियो देखने की जरूरत नहीं है। इंडिया को सिर्फ 1-0 से ऑस्ट्रेलिया को हराना है, बस इस रिजल्ट के साथ ही इंडिया WTC फाइनल में होगा। और बाकी जो सिनारियो वो आप देख सकते हो, अगर सीरीज का रिजल्ट 2-0 से इंडिया के फेवर में होता है तो इंडिया के 60.6% ऑफ पॉइंट्स होंगे, अगर 2-1 से जीतता है सीरीज इंडिया तो इंडिया के 58.79% ऑफ पॉइंट्स होंगे, अगर 2-2 से ड्रॉ होती है तो 56.94% ऑफ पॉइंट्स हो जाएंगे इंडिया के। तो इन सारे सिनारियों में तो इंडिया क्वालिफाई कर ही जाएगा। उसके बाद जो भी रिजल्ट हो इंडिया का, 3-1 से जीते या 4-0 3-0, तो उसमें तो क्लियर कट क्वालिफाई करना ही है इंडिया को। अब जो इक्वेशन बन रही है वो श्रीलंका के साथ ज्यादा बेटर बन रही है बजाय साउथ अफ्रीका के, क्योंकि साउथ अफ्रीका तो 52.38 पर ही रह जाएगा। अब श्रीलंका के ऊपर अगर श्रीलंका ने कुछ आउटस्टैंडिंग कर दिया, कुछ आउट ऑफ द ब्लू उन्होंने कर दिया न्यूजीलैंड में 2-0 से अगर वो जीत गए, तो उनके कुछ ठीक ठाक पॉइंट्स हो जाएंगे। लेकिन इंडिया के हाथ में है अब इंडिया की बागडोर, और इंडिया 100% क्वालिफाई करने वाला है WTC फाइनल में। दोस्तों आप कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप WTC फाइनल में कौन सी टीम को जीतते हुए देखना चाहते हैं, कौन सी आपकी फेवरेट टीम रहेगी, कौन से आपके फेवरेट बॉलर्स या बैट्समैन हैं WTC चैंपियनशिप में। दोस्तों वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।